बदल गया है काजोल का पूरा लुक। 7 सितंबर को रिलीज होने जा रही है काजोल की फिल्म हेलीकॉप्टर इला। निभा रही है सिंगल मदर का किरदार। जानिए क्या हो सकती है फिल्म की फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में आपका बेहद स्वागत है। इस तरह की खबरें लगातार अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। बहुत जल्द बड़े पर्दे पर काजोल स्टारर फिल्म हेलीकॉप्टर इला रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में काजोल सिंगल मदर का किरदार निभा रही है और इस फिल्म की पूरी कहानी उन्हीं पर ही आधारित है। काजोल वो शख्सियत हैं जिन्होंने बॉलीवुड हीरोइनों को एक अलग ही पहचान दिलाई है। हालांकि ये फिल्म महिलाओं पर आधारित बताई जा रही है, लेकिन काजोल के मायने इसके बारे में कुछ और ही हैं। महिलाओं पर आधारित फिल्म के बारे में वो कहती हैं कि वो इसकी बजाय अच्छी कहानी और अच्छी स्क्रिप्ट को प्रेफरेंस देती हैं। इस फिल्म में काजोल के अलावा रिद्धि सेन और नेहा धूपिया भी नजर आने वाली हैं। फिल्म को काजोल के पति अजय देवगन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी के साथ यदि फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे चर्चा करें तो अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 4,25,00,000 रुपए हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ दीजिए अब इन खबरों से इजाजत। मिलेंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।